हेलो एवरीवन, कार्सपा के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हमारे पास 12 साल पुरानी वैगनार है जिस पे हम लोग कलर चेंज और फुल रिपेंट करने वाले हैं। बोनट की कंडीशन आप देख सकते हैं, क्लियर कोट कितना ऑक्सीडाइज हुआ है, डेंट्स हैं गाड़ी पे, छत पे भी बहुत बड़ा डेंट है और क्लियर कोट ख़त्म हो चुका है। दरवाजे रनिंग बोर्ड घसे हुए हैं, पूरी गाड़ी की हालत ही कुछ इस तरीके की है। बम्पर स्क्रूड ऑन है और पीछे से ढीला भी हो रखा है, इसे हम रिप्लेस करेंगे। दरवाजे पे और बहुत अलग अलग जगह पे पपड़ी बनी हुई है, कलर निकल रहा है क्योंकि गाड़ी बहुत बार पहले पेंट हो चुकी है। कुछ पैनल 3 बार, कुछ पैनल 4, कुछ पैनल 6 बार। स्टील व्हील्स को भी हम ब्लैक करने वाले हैं तो ये भी बहुत अच्छे दिखेंगे। ये पूरा प्रोसेस कुछ 20 दिन का है। चलिए अब इस गाड़ी पर काम शुरू करते हैं और देखते हैं इस पर हम कितना फ़र्क ला सकते हैं। जहाँ जहाँ पर पैनल डैमेज है वहाँ पर हमने वेल्डिंग का काम करके लिया है। उसके बाद अगला जो प्रोसेस हमने लिया है, ये पैनल को बीट करके एंडुलेशंस कम किए हैं, मेटल को लेवल में लाया गया है। फिलर्स यूज़ करके उसके बाद उसको बेसिक सैंडिंग करके एंडुलेशंस और कम किए हैं, पैनल को स्मूथ किया है ताकि जब इस पर पेंटिंग करें तो एकदम स्मूथ फिनिश उसको मिले। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, फिलर यूज़ करने के बाद पैनल को सैंड किया गया है। जितना अच्छा ये सैंड किया जाएगा या जितने नए नए ग्रिड के इस पे पेपर्स यूज़ किए जाएंगे उतना इसका फिनिश बेहतर होता जाएगा। डेंटिंग का सारा काम आप देख रहे हैं, गाड़ी पर कितना ज़्यादा डेंटिंग का काम था। इसके बाद हम वापस से इसको सैंड करेंगे, पुराने कलर को रिमूव करेंगे ताकि नया कलर की लाइफ और इम्प्रूव हो और अच्छे से बैठ पाए। अब ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं, ये हैंड सैंडिंग का प्रोसेस है। 80 ग्रिट और 160 ग्रिट सैंड पेपर से हम पूरी गाड़ी सैंड करके लेंगे ताकि जो पुराना सड़ा हुआ पेंट है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव कर पाएँ। इसका सबसे बड़ा कारण ये रहता है कि जितना ख़राब और लो क्वालिटी पेंट गाड़ी के ऊपर रहेगा, नए पेंट की लाइफ उतनी डिग्रेड हो जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कैसे पहले ड्राई सैंडिंग लिया गया गाड़ी को 80 ग्रिट से, उसके बाद वेट सैंडिंग और फिर फाइनल करने के लिए हमने उसको मशीन से सैंड किया ताकि परफेक्ट स्मूथनेस सरफेस को मिल पाए। बहुत बार पेंट होने के कारण गाड़ी पर मल्टीपल लेयर्स ऑफ पेंट है जिनको हमने इस पूरे प्रोसेस से हटाया है। पेंट स्पिलेज से बचाने के लिए गाड़ी के जो जो डेलिकेट पार्ट्स है, सारे प्लास्टिक्स या ग्लासेस जहाँ पर पेंट नहीं उड़ना चाहिए, उन सबको मास्किंग किया जा रहा है। इसके बाद हम गाड़ी पर आयरन ऑक्साइड कोट करेंगे। एंटी रस्ट कोट आपकी गाड़ी को रस्ट होने से बचाता है। यूजुअली जब गाड़ी का रिपेंट होता है तो एक आम पेंटर ये स्टेप को छोड़ देता है और अवॉइड करते हैं, पर एंटी रस्ट कोट होने से क्या होता है, आपकी गाड़ी को लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन मिलता है। खासकर जब गाड़ी पुरानी रहती है तो गाड़ी जल्दी रस्ट नहीं होती और गाड़ी का लाइफ इम्प्रूव हो जाता है। इस गाड़ी पर हमने 2 कोट एंटी रस्ट कोट किया है। आयरन ऑक्साइड के कोट के बाद हमने फाइनल हाथ पुट्टी फिलिंग करके लिया, उसको सैंड करके एंडुलेशंस जो 19-20 थोड़े भी थे उसको पूरा ख़त्म करके लिया। उसके बाद हमने गाड़ी पे 2 हाथ प्राइमर मार के लिया है। प्राइमर गाड़ी के पेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है प्रोसेस में, बिकॉज प्राइमर ही है जिसके कारण पेंट जो है वो पैनल के साथ अच्छे से बॉन्ड कर पाता है। नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा वो बेस कोट का आएगा। बेस कोट में रेड कलर मारने से पहले हमने 2 कोट वाइट कलर मार के लिया है। वाइट कलर मारने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि रेड से पहले अगर वाइट रहेगा तो रेड ज़्यादा पॉप आउट करेगा, ज़्यादा ब्राइट दिखेगा और उसको ज़्यादा शाइन मिलेगा। इस गाड़ी पे जो बेस कोट हमने सिलेक्ट किया है वो स्विफ्ट का रेड है। आप देख सकते हैं कैसे गालों में, इंजन में, हर जगह पहले प्रॉपर रेड कलर को कवरेज दिया जा रहा है। इस पेंट के हम लोग 2 हाथ मारेंगे, ये फुल 1 हाथ हो जाने के बाद से वापस ये प्रोसेस रिपीट किया जाएगा। एक अच्छे पेंट जॉब और एक ख़राब पेंट जॉब में कुछ फ़र्क होते हैं बेसिक, आपका पेंटर किस तरीके से हाथ चला रहा है, किस तरीके से स्मूथ उसका हाथ का ऑपरेशन है, पेंट का क्वालिटी आप कैसा यूज़ कर रहे हैं, जो आप मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, और तीसरा पेंट बूथ या जिस एरिया में कलर मारा जा रहा है उसका कंडीशंस कैसा है, एरिया थोड़ा साफ है या नहीं। ये फैक्टर्स अगर सारे एक साथ काम करते हैं तो आपको जो एंड रिज़ल्ट है, जो भी पेंट का फिनिश है, वो काफ़ी अच्छा मिलेगा और फाइनल रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। अब बारी है क्लियर कोट मारने की। गाड़ी पे 2 हाथ हम क्लियर कोट मार के देंगे। क्लियर कोट को ही लैकर बोला जाता है और यही क्लियर कोट है जो गाड़ी को धूप से बचाता है और यूवी प्रोटेक्शन देता है। क्लियर कोट मारने के बाद ही गाड़ी को जो उसका ग्लेज है, जो शाइन है, वो प्रॉपर उसको मिलता है।
गाड़ी का एक्सटीरियर पेंट का काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे हम गाड़ी का इंटीरियर क्लीनिंग ले रहे हैं। सारे पैनल्स, सीट, डैशबोर्ड, दरवाजे, डिक्की, आपका छत, सब पैनल्स को प्रॉपरली इंटीरियर क्लीनिंग लिक्विड से क्लीन किया जाता है ताकि गाड़ी अंदर से भी वैसे ही दिखे जैसे बाहर से दिखने वाली है। उसके बाद पेंट को सैंडिंग किया जाता है ताकि पेंट में जो बेसिक रफनेस है उसको हटाया जा सके। हेडलाइट को भी सैंड किया जाता है प्रॉपरली ताकि जो पुराना हो गया है हेडलाइट वो अब नया जैसा दिख सके। जितना उसको रिपेयर कर सकते हैं उतना करते हैं। उसके बाद पेंट पे कंपाउंडिंग किया जाता है, जो सैंडिंग के बाद थोड़े मार्क्स आते हैं, पेंट पे ग्लॉस थोड़ा कम रहता है, कंपाउंडिंग करने से वो ग्लॉस पूरा रिस्टोर किया जा सकता है। कंपाउंडिंग पे जो मार्क्स छूटते हैं उसके लिए पॉलिशिंग किया जाता है, ये फाइनल फिनिश रहता है। इससे गाड़ी का जो ग्लेज है बेटर देन शोरूम कंडीशन फिनिश जो गाड़ी पे है वो आता है। इसके बाद बम्पर फिटिंग किया जाएगा। बम्पर फिटिंग जैसे आप देख रहे हैं ग्रिल को हमने ब्लैक पेंट करके लिया है, थोड़ा कस्टमाइजेशन किया है, प्लास्टिक्स पे डाई लगाया है। यहाँ पर सेरामिक वैक्स कोट चालू है जो कि गाड़ी को कंप्लीट फिनिश देगा और यूवी प्रोटेक्शन भी ऑफर करता है। इसके कारण जो है पेंट का लाइफ काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा और गाड़ी का ग्लॉस भी काफ़ी बढ़ जाएगा। अब आप देखिए फाइनली गाड़ी कैसी दिखती है। होपफुली आपको हमारा काम अच्छा लगा है। कार्सपा के इंडिया में 70 से ज़्यादा आउटलेट हैं, तो अपना सर्विस प्रोवाइडर ध्यान से चुनिए ताकि आपको क्वालिटी काम मिले जब भी आप काम कराएं। और हमारा पेज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।